फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। 72 दिन हो गए लेकिन विष्णु ज्वेलर्स पर पड़ी डकैती का खुलासा पुलिस नहीं कर पाई। नतीजा ज्वेलर्स के डिप्रेशन में आने पर अस्पताल में भर्ती होने के रूप में सामने आया। वहीं चारों तरफ से परेशान बेहताश परिजनों ने आज क्षेत्रीय नागरिकों को लेकर जाम लगा दिया। मामला थाना नौचंदी क्षेत्र का है, जहां एल ब्लॉक शास्त्री नगर में 72 दिन पहले विष्णु ज्वेलर्स में हुई लूट पर कार्रवाई न होने के कारण पीड़ित परिवार और क्षेत्रवासियों ने थाने पर हंगामा कर दिया, जिसके बाद पुलिस और पीड़ित परिवार के साथ नोकझोंक हो गई। जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने पीड़ित परिवार और क्षेत्रवासियों को समझाकर बातचीत की, जिसमें मौजूदा व्यक्तियों ने कहा कि खुलासा न होने के कारण पीड़ित परिवार की हालत खराब है, जल्द से जल्द कार्रवाई का आरोपियों को पकड़कर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाया जाए, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति सही हो सके। जिस पर मौजूदा अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा। वही आरोप है कि यहां इंस्पेक्टर नौचंदी प्रेमचंद शर्मा ने महिलाओं के साथ अभद्रता की और उनके मोबाइल छीन लिए। पुलिस के व्यवहार से महिलाएं बुरी तरह डर गई और रोने लगी। देखते ही देखते थाने में हंगामा खड़ा हो गया। वहीं सूचना मिलते ही भाजपा नेता अरुण वशिष्ठ, पार्षद राजेश रुहेला, राजेश निगम सहित काफी कार्यकर्ता नौचंदी थाने पहुंच गए। वहीं मौके पर ही भाजपा नेताओं ने एसएसपी से फोन पर बात की और इंस्पेक्टर को हटाए जाने की मांग पर अड़ गए। पीड़ित परिवार का कहना था कि जिस परिवार के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, पुलिस उस परिवार को मदद करने के बजाय टॉर्चर कर रही है। ये मेरे पिताजी का घर है, यहाँ पे 25 दिसंबर की रात को डकैती हुई थी। दुकान भी है यहाँ पे सुनार की। घर में बंधक बना के पिस्टन के बल पे सब कुछ लूट के ले गए। आज इस घटना को 72-73 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन ने सिर्फ हमें आश्वासन दिया है कि हो रहा है काम, आपकी वो चल रही है, कुछ नहीं करा उन्होंने। किसी से नहीं मिले और सबसे, हाँ, हम सबसे मिले, सबसे मिले, सबने हमें आश्वासन दिया है। ये नौबत आ गई है कि अब हमारे पापा चार दिन से लोग हॉस्पिटल में। अधिकारी नहीं छोड़ा, कोई कोना नहीं छोड़ा कि जिस कोने में वो अधिकारी रह रहा हो। हर एक अधिकारी से मिल लिया, हर एक पुलिस वाले से, 6-6, 7-7 बार, एक बार नहीं, 6-7 बार। सब हमें आश्वासन देते हैं, सबने कह दिया 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 12 दिन, कुछ नहीं हुआ। होगी, अब होगी, होगी कैसे नहीं होगी, होगी वो हम कर लेंगे, बाद में देखेंगे वो क्या होएगा। जाम ना हटा रहे, अभी ना हटा रहे, जब तक हमारी सुनवाई ना हो जाएगी। हमें बड़े कप्तान साहब यहाँ नहीं आ जाएंगे और हमारी बात नहीं सुन लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।